ब्रांच है तो कोई सुरक्षा गार्ड आप लोगों ने नहीं रखा? दिन में रहता है, रात में बैंक के परिजन में नहीं, दिन में रहता है। कितने दिन से रखना, क्या लापरवाही नहीं है? लापरवाही है एक्चुअली में, चलता है हम लोग अपने लेवल पर नहीं रख सकते हैं, जो भी चीज़ें हमारा एड्रेस करता है तो परिजन है। सीसीटीवी वगैरह में कुछ सीसीटीवी में उन्होंने एक कैमरे को छेड़ा है, बाकी सब कितने दिन से बैंक बंद है? किस तरीके से काटा है इसको, क्या करें, क्या इस्तेमाल किया, लेके अंदर तक आए, अंदर तक लाया सीसीटीवी उन्होंने आकर के गैस कटर से यहाँ पे चेस्ट काटने की कोशिश की थी, चेस्ट में काफ़ी रुपया पड़ा हुआ था पर वो चेस्ट नहीं काट पाए। तो यहाँ पे जो प्राइवेट लॉकर्स होते हैं, जो कि पब्लिक जिसमें लॉकर लेती है, तो उसमें तकरीबन 15 या 16 लॉकर जो है उन्होंने काटे हैं, उन लॉकर में से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो ले करके गए हैं। अभी जो जिनके लॉकर्स हैं उनको हम लोग सूचित कर रहे हैं, वो आकर के अभी पूरा आकलन करके अपना बताएंगे, और बाकी बैंक के मैनेजर से अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं, क्योंकि इसमें गैस कटर यूज़ हुआ काफ़ी बड़ा है तो कोई ना कोई वाहन आया होगा। आसपास के भी सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग निकाल करके चेक कर रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी वारदात हुई है, इसको हम लोग एसटीएफ की टीम भी आ गई है, अभी संयुक्त तरीके से इसको बहुत जल्द हम लोग वर्कआउट करने की कोशिश करें। कोई गार्ड आर्ड भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई रात को प्राइवेट गार्ड नहीं रहता था, इनसे बात हुई है तो गार्ड तो कोई नहीं रहता था, पर सीसीटीवी फुटेजेस काफ़ी मिली है, और स्मोक जो डिटेक्टर्स हैं उनको इन लोगों ने तोड़ दिया था, ताकि अगर गैस कटर यूज़ हो तो स्मोक से अलार्म ना बजे। कोई नकदी के भी सामने बात आई है किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के? नहीं, बैंक की कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं गई है। जो पब्लिक डिपॉजिट कराती है लॉकर्स में, तो वो तकरीबन 14-15 लॉकर इन्होंने जो तोड़े हैं उसमें से जो पब्लिक का लॉकर में जो रहा होगा वो गए हैं, तो उनको 15 लोगों को हम लोगों ने सूचित किया है, अभी 1-2 घंटे में वो लोग आएंगे, तो उसके बाद में पूरा आकलन हो पाएगा कि कितना सामान इसमें से गया। ठीक, कितने